नमस्कार, आप देख रहे हैं आपको पल पल की खबरों से अपडेट रखने वाला देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। संबोधित करें भाई ओम पटेल जी। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में यहाँ की जगह आया हूँ। यहाँ के 10:30 बजे का टाइम दिया गया था सभी पत्रकारों को, सभी यहाँ की जगह लोगों को, ताकि यहाँ की जगह हम पानी के लिए तरस गए। जितने भी हम यहाँ की जगह मीडिया कर्मी पत्रकार वगैरह सब हमारे भाई लोग बैठे हुए पानी के लिए तरस गए। वो गर्मी इतनी पड़ेगी, कड़ाके की धूप रहेगी, हमका पसीना आ रहा है और हम देख रहे पानी के लिए हम आवाज़ें लगा कर सुनने को राजी नहीं। पैसे देने आए थे वो आपको, वो फिर इसके बावजूद पे हमको पैसे भी दे रहे थे पानी के लिए। आप ले आइए पानी, हम कैसे ला भैया, हम ये कैवरेज करेंगे, हम पानी लेके आए पहले, क्या करें। ठीक है, चलो चलो ओम बद्रम कारणे वीजणुयाम देवा मध्य प्रदेश का एक प्रतिष्ठित स्थान है, एक ऐसा उदाहरण है मध्य प्रदेश का। अब हम चाहते हैं कि ऐसा उदाहरण बने कि यहाँ का संदेश पूरे प्रदेश में जाए। भवानी और चामुंडा माता के दर्शन माता टेकरी पर आकर किए और किस अभियान की आज आप शुरुआत कर रहे हैं, आईडी नीचे करो। आज हमारी शुरुआत है घर चलो घर घर चलो जी, और बहुत सारे लोग प्रवेश कर रहे हैं कांग्रेस में, उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जिस घर की संस्कृति है कांग्रेस का घर है। और आज मैंने प्रार्थना करी है और आशीर्वाद मांगा है कि मध्य प्रदेश सही पटरी पर लाए, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारे पीड़ित किसान के चेहरों में फिर से मुस्कुराहट हो। सर देवास, देवास से क्यों चुना आपने? बोल मत देख लो, के नेतृत्व में देवास से शुभारंभ हो रहा। देवास की तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। पूरे मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम घर चलो घर घर चलो कार्यक्रम की शुरुआत, सदस्यता अभियान, मतदाता सूची का आकलन, सत्यापन, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में कांग्रेस की उपलब्धि, पीछे वालों को दिक्कत हो रही है, अपनी अपनी कुर्सियों बैठ जाए। तो भाजपा ही है, ये आपको हमको सोचना हो। आज नर्मदा युवा सेना
हमारा अभियान 100-200 गाय मर रही है। इन पाखंडियों के शासनकाल में जो गौ माता की पूछ पकड़ के राजनीति की वेतरणी पार करने की बात करते हैं, उनके राज में भोपाल में चाहता है माननीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करता हूँ, जोरदार कदम उनसे स्वागत करिए। जय जय कमलनाथ। हम सब के बुजुर्ग प्रहलाद टिपानिया जी, रवि जोशी जी, मनोज चावला जी, महेश परमार जी, बेरोजगारी से सने है, न उन बेरोजगार बेटे को उन्होंने नौकरी देने की बात की, न किसान की। एक ही अरमा सज्जन वर्मा, एक ही अरमा सज्जन वर्मा। ये आपको और हमको सुनना। आज नर्मदा युवा सेना हमारा अभियान है, घर चलो घर घर चलो ये नारा दिया है कमलनाथ जी ने। सज्जन वर्मा, भैया थोड़ा आप कमलनाथ सरकार ने जिस तेजी से जनता के ख्वाबों को हकीकत में बदलने की इबारत लिखनी शुरू की थी वह एक ऐतिहासिक था। भाजपा की नींव हिलने लगी, खलबली मच गई, गांव की बिजली काट दी गई, बेटिया के अंदर का उठाना में सेफ हो गए बन रही है, नर्मदा किनारे का हिस्सा हो चुकी है। ये वक्त है हमको घर करो। व्यक्ति जो केवल निरंतर विकास चाहता है माननीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करता हूँ, जोरदार कदम उनसे स्वागत करिए। कांग्रेस के झंडे के नीचे हम अपनी आवाज उठाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि नर्मदा युवा सेना के माध्यम से हम मां नर्मदा को सही है ना। हमारे घर में एक देवता की पूजा करते हैं, बाहर जाते हैं दूसरी देवता की पूजा करते हैं। ये देवी देवताओं का, ये हमारे आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है और यही अपने देश की पहचान पूरे विश्व में है। कोई ऐसा देश नहीं है अपने विश्व में। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के घर की, उनका कैसा घर है? इनका घर तो गोडसे का घर है, इनका घर हमारे बेरोजगार नौजवानों का घर है। जिस प्रकार आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है, आज का नौजवान जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका या कमीशन नहीं चाहता, मैं तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और ये बेरोजगारी का जो घर बीजेपी का है, भ्रष्टाचार का घर भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे किसानों की आत्महत्या जो किसान तरफ रहता बीज और खाद के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का घर। आज प्रश्न हमारे सामने है कि हम कौन से रास्ते में चलना चाहते हैं। हम मोदी के रास्ते में चलना चाहते हैं या अपने देश की संस्कृति और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के रास्ते पर चलना चाहते हैं। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। सौदेबाजी में मैं मुख्यमंत्री था, सौदेबाजी में सरकार गिरा दी, मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं सौदा कर सकता था मुख्यमंत्री निवास पर बैठकर, पर मैंने कहा कि मैं सौदे से कोई कुर्सी नहीं बचाने वाला, मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करने वाला। 15 महीने की सरकार में मुझे 11.5 महीने मिले, लोकसभा का चुनाव आया, आचार संहिता लगी,
कौन सा गुना मैंने किया 11.5 महीने? मैंने किसानों का कर्जा माफ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और शिवराज जी पहले तो चिल्लाते रहे कोई कर्जा माफ नहीं हो रहा, पर विधानसभा में ये आंकड़े पेश करने पड़े। शिवराज जी, शिवराज सिंह जी मिलेगा 13 और 14 महीने कहते थे, कहते थे किसानों को 50% नफा होगा, कहते थे मोदी जी 4 साल बाद 5 साल बाद किसानों की बात नहीं करते, नौजवानों की बात नहीं करते, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कांग्रेस को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का? मैं तो मोदी जी से पूछता हूँ, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम बता दीजिए जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, और आप राष्ट्रवाद का पाठ हमें पढ़ा रहे। कितने बड़े कलाकार हैं, अब तो बड़ी हुई दाढ़ी थी, कितनी दाढ़ी बढ़ी उतने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया, और जब दाढ़ी थोड़ी सी काटी तो थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ गया। देखते रहिएगा इनकी दाढ़ी, दाढ़ी बढ़ेगी तो पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, दाढ़ी कटेगी तो 1 रुपए कुछ रुपए दाम भी कम हो जाएगा। ये आज तस्वीर देश की और प्रदेश की आपके सामने है, जाती है। सही है ना? हमारे घर में एक देवता की पूजा करते हैं, बाहर जाते हैं दूसरी देवता की पूजा करते हैं, ये देवी देवताओं का, ये हमारे आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, और यही अपने देश की पहचान पूरे विश्व में है, कोई ऐसा देश नहीं अपने विश्व में। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के घर की, उनका कैसा घर है? इनका घर तो गोडसे का घर है, इनका घर हमारे बेरोजगार नौजवानों का घर है। जिस प्रकार आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है, आज का नौजवान जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका या कमीशन नहीं चाहता, मैं तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और ये बेरोजगारी, बेरोजगारी का जो घर बीजेपी का है, भ्रष्टाचार का घर भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे किसानों की आत्महत्या जो किसान तड़प रहा था बीज और खाद के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का घर। आज प्रश्न हमारे सामने है कि हम कौन से रास्ते में चलना चाहते हैं, हम मोदी के रास्ते में चलना चाहते हैं या अपने देश की संस्कृति और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के रास्ते पर चलना चाहते हैं। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, सौदेबाजी में मैं मुख्यमंत्री था, सौदेबाजी में सरकार गिरा दी, मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं सौदा कर सकता था मुख्यमंत्री निवास में बैठकर, पर मैंने कहा कि मैं सौदे से कोई कुर्सी नहीं बचाने वाला, मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करने वाला। 15 महीने की सरकार में मुझे 11.5 महीने मिले, लोकसभा का चुनाव आया, आचार संहिता लगी, कौन सा गुना मैंने किया 11.5 महीने? मैंने किसानों का कर्जा माफ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और शिवराज जी पहले तो चिल्लाते रहे कोई कर्जा माफ नहीं हो रहा, पर विधानसभा में ये आंकड़े पेश करने पड़े। शिवराज सिंह जी का तो झूठ का घड़ा बहुत बढ़ गया है, कौन सा गुना किया मैंने कि 100 रुपए 100 यूनिट में बिजली दी, कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने गौशालाओं का निर्माण किया जो 15 साल में गौशाला नहीं बनी, हमने 11.5 महीने में बताया, कौन सी गलती करी मैंने पेंशन बढ़ा के। और शिवराज सिंह जी कहते हैं हमें हिसाब भेजिए अपने कार्यकाल का, मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूँ आ जाइए, आप देवास आ जाइए, कहीं आ जाइए,
आप उस तरफ खड़े रहिए मंच पर, मैं इस तरफ खड़ा रहूंगा मंच पर। आप अपने 18 साल का हिसाब दे दीजिए, मैं 12.5 साल का हिसाब देता हूँ। कौन सी गलती करी मैंने कि हमने अपने बच्चों के लिए विवाह की योजना बनाई। आज 18 साल की तस्वीर पूरे प्रदेश के सामने, मुझे जो प्रदेश मिला था, आत्महत्या में किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर वन, बेरोजगार में नंबर वन पूरे देश में, महिला पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर वन, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। और आज आज इन सब पर हम नंबर वन हैं। शिवराज जी तो आएंगे, लंबी चौड़ी बातें घोषणाओं के तो व्यू है, सब जानते हैं, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह लो। शिवराज जी आज नौजवान बिना काम के, किसान बिना दान के, छोटा व्यापारी बिना व्यापार के, शिवराज जी आप किस काम के? मैं तो ये पूछता हूँ। ये आज तस्वीर हमारे सामने है, मैं दोहराना नहीं चाहता ये कौन सी तस्वीर है, ये तस्वीर आप सबके सामने है। और आज हमें चुनना है, आज हमें तय करना है कि मोदी का रास्ता क्या है। याद है मोदी जी कैसे कहते थे, कैसे हम अपने प्रदेश को फिर से उस पटरी पर लाए जहां हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है, हमारे किसानों में फिर से मुस्कुराहट है। 70% हमारा देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, जिसकी किराने की दुकान गांव में चलती है, वो किराने की दुकान तब चलती है जब किसानों के जेब में कुछ पैसा हो, उसका बच्चा पढ़ सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, जब किसान की जेब में पैसा हो। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। देवास तो हमारे संस्कृति का प्रतीक है, देवास हमारे संस्कृति का प्रतीक है। किस प्रकार की एकता यहाँ है, हर समाज में हर धर्म में देवास। पर आपको अगर ये प्रतीक लेना है, आपको इस मैदान में उतरना पड़ेगा। ये कमलनाथ की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, आपको मध्य प्रदेश की भविष्य की लड़ाई है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, सच्चाई देख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। और अगर आपने सच्चाई का साथ दिया, अगर सच्चाई का साथ दिया, तो देवास में भी इतिहास बनेगा। और मैं ये कहना, देवास मेरे से अभी पूछा गया कि आप देवास क्यों आए हैं, मैंने कहा देवास हमारे प्रदेश का एक प्रतिष्ठित शहर है, देवास में एक नया इतिहास शुरू हुए, ये हमारा प्रयास रहेगा। आप सब ना आए, आप सब इतनी देर इंतजार करी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका घर हमारे देश की संस्कृति का घर है, जो हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, ये कांग्रेस का घर है। और इसमें जिन्होंने प्रवेश किया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आपने ऐसे घर में आज प्रवेश किया है, और जो हमारे साथी उस कांग्रेस के घर में है, मैं उन्हें एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अपना भारत एक ऐसा देश है जहाँ इतने धर्म, ये बच्ची मेवावर हत्याकांड में आखिरी बच्ची थी, ये कंस मामा के राज में बच्चे भी सुरक्षित थी, आदिवासी बच्ची आज कांग्रेस में है। अब आपके संग्रह श्री सुधीर शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। कौन सी गलती करी कि अपने पिछले वर्ग को 27% आरक्षण दिया।
कौन सी गलती करी मैंने कि हमने अपने बच्चियों के लिए विवाह की योजना बनाई। आज 18 साल की तस्वीर पूरे पहन सकता है जब किसान की जेब में पैसा हो, ये आज तस्वीर हमारे सामने है। देवास तो हमारे संस्कृति का प्रतीक है, देवास हमारे संस्कृति का प्रतीक है। किस प्रकार की एकता यहाँ है, हर समाज में हर धर्म में देवास है। पर आपको अगर ये प्रतीक रहना है, आपको इस मध्य प्रदेश की भविष्य की लड़ाई है। और मैं तो इंतजार करना चाहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, सच्चाई देख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। और अगर आपने सच्चाई का साथ दिया, आपने अगर सच्चाई का साथ दिया तो देवास बजट आ रहा, बजट को लेके क्या बोलेंगे? बजट में बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं है, बजट में कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है, बजट में है क्या? बहुत सा पीछा थोड़ा, कौन सी रात दी है साधारण व्यक्ति को? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। बड़े बड़े उद्योगपतियों को इससे लाभ होगा। आज हमारा बेरोजगार नौजवान जो भटक रहा है, नहीं नहीं छोड़ दो, वो उसके चेहरे में आज निराशा है। नहीं, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गोडसे की पार्टी, अभी आपने मंच गोडसे का घर है, गोडसे का घर है, आपने कहा बात सही है, यही करते हैं, ये कोई मुझे साबित करने की जरूरत है। आप मुख्यमंत्री बने थे जब हमारे पंचायत गौशालाओं का निर्माण किया था, लाखों गाय भर रही है, लाखों गाय, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये हो रहा है, मुझे तो बड़ा दुख है। सर, निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट संसद में पेश किया।